हेलो एवरीवन, इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई गेस आपका विंटर्स भी बहुत अच्छी तरह से जा रहा होगा। ठंड तो धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन ठंड का मजा अभी कुछ और है। तो मेरा आपने शायद प्रीवियस वीडियो देखा होगा, मूनस्केप से पहले वाला वीडियो, जब मैं सुबह एक रैंडमली निकला था और कुछ शॉट्स लेके आया और वहाँ पर मुझे कई अच्छे शॉट्स मिले। जो एक्सपेक्टेशन नहीं था उसके हिसाब से भी कुछ शॉट्स मिले, कुछ नहीं भी मिले, लेकिन वहाँ पर मेरा मन बहुत क्या वाइल्ड लाइफ पे थोड़ा आके कंसंट्रेट करने का, एक अपने जो कंफर्ट जोन होता है, जो मेरा कंफर्ट जोन है लैंडस्केप्स या एस्ट्रो लैंडस्केप्स, उससे थोड़ा बाहर निकल के आके कुछ और भी चीज़ लेते हैं। हालांकि वाइल्ड लाइफ भी नेचर का ही पार्ट है तो मैं नेचर पर ही रह रहा हूँ। तो आज सोचा कि मैं चलो कहीं चलते हैं, कुछ बर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं, जितने भी बर्डिंग्स या बर्ड्स के एक्शंस होंगे या फिर कोई नए स्पीसीज भी होंगे, चलो उनको ढूंढते हैं। तो आज मैं आ गया हूँ जमादारपाली के पास। यहाँ पर अभी आई थिंक 3-4 बज चुका है तो और थोड़ी देर में सनसेट हो ही जाएगा। अभी हमको शायद देखने को मिल सकते हैं एक्शंस, क्योंकि अभी बर्ड्स भी जो रहते हैं वो बाहर खा पी के आके घूम के अभी खेलने लगते हैं और मजा मस्ती करने लगते हैं। तो चलिए चलते हैं, कुछ शॉट्स लेते हैं जो भी आंखों में मिलता है आज। अभी एक ऐसे जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर आवाज़ बहुत ज़ोरों से आ रहा है और मैं देखा भी है छोटे छोटे बर्ड्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा स्लो, ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो मैं आवाज़ कर रहा हूँ। चलो आपको मैं जगह पहले दिखा देता हूँ और उनके मूवमेंट्स दिखाता हूँ, फिर फ़ोटो लेते हैं। तो ये ही वो जगह है जहाँ पर देख सकते हैं आप, मेडोज़ भी है, ट्रीज़ भी है, बैम्बू का भी पेड़ है और आवाज़ बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं, आई थिंक 2 प्रीनिया गए, प्रीनिया या सिल्वर बिल है, मैं पहले देख रहा था, अभी जहाँ गए हैं तो वहाँ धीरे धीरे मैं जाने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं सोच रहा हूँ यहीं पर रहूँगा और उनका वेट करता हूँ एक ही जगह पर, थोड़ा कैमोफ्लैज्ड होके, ताकि जब वो आए तब मैं फ़ोटो ले सकूँ। बिलीव मी, ये छोटे बर्ड्स को फोटोग्राफ करना ना बहुत ही ज़्यादा हेडेक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़े से भी आवाज़ में इधर उधर भागते हैं और कोई भी 5 या 6 सेकंड से ज़्यादा बैठते नहीं हैं। अगर आपको परफेक्ट फ्रेम नहीं मिला, अगर आप 5-6 सेकंड के अंदर अपना फ्रेम कंपोजिशन नहीं बैठा पाए या रैंडम शॉट ले नहीं पाए तो ये तुरंत निकल ही लेते हैं। आपको पेशेंटली एक ही जगह पर रुकना पड़ेगा, उनको ट्रेस करना पड़ेगा वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से वापस आ रहे हैं, उसके बाद जाके ये शॉट मिलेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे 2-3 शॉट मिले, उनमें से एक आध अच्छे आ गए हैं, आपको शॉट्स दिखाता हूँ और शॉट्स दिखाने के बाद मैं यहाँ से दूसरे जगह पर चलता हूँ। वहाँ ऑलमोस्ट आधा घंटा रुकने के बाद देखा कुछ शॉट्स मिले मुझे, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं ये छिप बहुत जाते हैं। अगर उनको कुछ भी एहसास हुआ कि कोई सामने इंसान है या गाड़ी जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, क्योंकि ये जहाँ पर मैं शॉट ले रहा था वो रोड के पास था, तो उसके लिए शायद थोड़े से आवाज़ होते ही वो लोग निकल जाते थे। तो ऑलमोस्ट आधे घंटे रुकने के बाद मुझे कुछ शॉट्स मिले, काइंड ऑफ ओकेइश हैं, मैं नहीं कह सकता कि बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं दूसरे जगह पे आ गया हूँ और ये सोच रहा हूँ कितना पेशेंट वाला काम होता है। जो बर्डर्स रहते हैं, जो बर्डिंग्स करते हैं मेनली,
बहुत पेशेंस वाला काम है, क्योंकि आप सुबह से रात हो जाएगा ढूंढते ही रह जाओगे, मिलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ भी एक्शन शॉट्स या कुछ भी आपको शॉट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो छोटे बर्ड्स रहते हैं इनको तो पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, पकड़ना नहीं है लेकिन कैप्चर करना मेरे फोटो से, फोटोग्राफी थ्रू से, ये थोड़ा मुश्किल होता है। खैर मैं अभी एक दूसरे जगह पे आ गया हूँ, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कुछ हलचल हो रहा है। और ठीक ये गोल्डन आवर का टाइम है, आप देख सकते हैं सन मेरे पीछे है, तो ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है कि जो कुछ भी मिले मैं तुरंत उसका यूटिलाइज कर लूं। ये नेचर का जो पार्ट है गोल्डन आवर। और जो लोकेशन पे भी हूँ मैं, यहाँ पर भी अच्छे जगह पे हूँ, लेकिन दिक्कत यही है कि रोड के साइड में है तो आवाज़ से निकल ही जाते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस जगह पे और जो कुछ भी मिलता है उठाते हैं। या बर्ड फोटोग्राफी करते वक्त या फिर किसी एक्शन फोटोग्राफी करते हैं तो सबका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, या कह सकते हैं सिग्नेचर स्टाइल हो सकता है, या अपना एक पसंद का स्टाइल रहता है। तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कुछ भी लूँ, अगर मैमल्स लूँ या एम्फीबियंस लूँ या रेप्टाइल्स लूँ या इनफैक्ट बर्ड्स लूँ, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसा भी मूवमेंट हो लेकिन आँखों पर कैच लाइट आना चाहिए। और जब गोल्डन आवर का कैच लाइट अगर आँखों पर आता है तब बहुत सुंदर दिखता है। तो मैंने वैसा शॉट एक लिया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये तो मेरे लिए मानना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ सच में ही मुश्किल होता है करना। ये मेरा जॉनरे नहीं है या मेरा फोटे नहीं है वाइल्ड लाइफ शूट करना, लेकिन हमेशा मुझे एक इंटरेस्ट रहा है कि मैं वाइल्ड लाइफ में शूट करूं। और उसके लिए बहुत मुश्किलों के बाद 5-6 साल बाद मैंने एक 200-500 लेंस भी लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली भी कह सकता हूं कि मेरा हाथ हमेशा लैंडस्केप की तरफ ही चले जाता है, चाहे जितना भी जो भी मैं टाइप का शूटिंग करूं। लेकिन मेरा होता ऐसा ही है कि मुझे लैंडस्केप भी हर जगह दिखने लगता है, लेकिन बिलीव मी पहली बार आज मुझे मज़ा लग रहा है क्योंकि ठीक लाइट के समय में मैं पहुंचा हूं और मुझे जो जो चीज़ दिखाई दे रहे हैं शायद ये पहली दफ़ा होगा बहुत सालों बाद मैं उठा रहा हूं बर्डिंग्स पे आके, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, अब अगर नेक्स्ट टाइम मैं ये करने आऊँगा, कोशिश करूँगा शूट करने के लिए, तो पक्का वो सारे शॉट्स लेके मैं जाऊँगा। ऐसा बहुत ही कम दिन होता है ना फोटोशूट के बाद बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। एक तो सच बात है कि आप पेशेंटली कोई भी काम करते हो, ट्रू टू अपने वर्क पे रहना चाहिए, तब आपका रिजल्ट अच्छा मिलता ही है। और ये वाइल्ड लाइफ आई थिंक मैं बहुत सालों के बाद क्या हूँ, मैं आप शायद बोर हो गए होंगे, मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ बहुत सालों बाद कर रहा हूँ, लेकिन ट्रूली बता रहा हूँ, इतना एग्जॉस्टिंग वाला सेशन होने के बाद भी मुझे रिफ्रेशिंग स्टिल लग रहा है। शॉर्ट्स जैसे भी मिले हो मैं तो वीडियोस में इंक्लूड करता ही रहूँगा, लेकिन जो भी हो एक्सपीरियंस अच्छा मिला मुझे। और ये भी थोड़ा थोड़ा भी आइडिया लगने लग गया कि कहाँ पर क्या हमको मिलने वाले हैं, एक्टिविटीज़ कहाँ पर होते हैं, कौन से टाइम पे होते हैं। तो इन फ्यूचर अगर मैं फिर से ये वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ऐसे बर्डिंग्स के ऊपर, तो तब मुझे और ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आज के लिए जिसपे मैंने बर्ड्स की कुछ फोटोग्राफी किए।
और एक अच्छा शाम भी बिता यहाँ पर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा जो लोग भी वाइल्ड लाइफ या बर्डिंग्स ज़्यादा करते हैं और मुझसे कुछ गलती हुई होगी शूट के दौरान, तो उसके लिए आई विल बी रियली सॉरी अबाउट दैट। और आप मुझे जेन्युइनली बताइए कमेंट सेक्शन पे और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सो हैव अ गुड नाइट एंड टेक केयर, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you.